हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है हमारे पास पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। एक तो इसके बारे में पढ़ना है, और एक हमारा मेन अटेंशन रहेगा आज डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल पर, यानी वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल आज हमें समझना है। पर इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब तक हमने मुख्य रूप से क्या-क्या चीजें डिस्कस की थी जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी वाटसन और क्रिक के मॉडल को समझने के लिए। ये सारणी मैंने आपको बनवाई थी, आपके याद होगा। इसमें आपको बताया था कि यहाँ तो लिखी हुई है क्रम संख्या, यहाँ है क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक चार प्रकार के होते हैं, एडिनीन, ग्वानीन, थायमीन और साइटोसिन। ये चार तरह के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इनकी जरूरत हमें पड़ती है। फिर हमने पढ़ा था शर्करा के बारे में, जिसे आप पेंटोज शर्करा भी कहते हो। ये हर जगह डी ऑक्सी राइबोज ही होती है। न्यूक्लियो साइड पढ़े थे। न्यूक्लियो साइड कब बनता है? जब एक अक्षारक एक शर्करा के साथ मिलता है तो न्यूक्लियो साइड बनता है। अब शर्करा तो सारी एक जैसी है, डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज, शर्करा तो एक जैसी है, पर क्षारक तो अलग अलग है ना। तो एडिनीन जब डी ऑक्सी राइबोज से मिलता है तो यहां बनता है डी ऑक्सी एडिनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब आपकी शर्करा यानी डी ऑक्सी राइबोज ग्वानीन के साथ मिलता है तो बनता है डी ऑक्सी ग्वानोसिन। जब डी ऑक्सी राइबोज थाइमीन के साथ मिलता है तो डी ऑक्सी थाइमिडीन बनता है, जो एक न्यूक्लियोसाइड है। और जब साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षारक डी ऑक्सी राइबोज शर्करा के साथ मिलता है तो बनता है डी ऑक्सी साइटिडीन। तो ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड। यदि कोई आपसे पूछता है न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ता है तो इनके जुड़ने से जो कंपाउंड बनता है उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब यदि इसमें पाइरुविक एसिड भी मिल जाए तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो डी ऑक्सी एडीनोसिन से जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसका नाम होता है डी ऑक्सी एडीनाइलिक एसिड, और डी ऑक्सी ग्वानोसिन से जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसका नाम होता है डी ऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। डी ऑक्सी थाइमिडीन से जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसका नाम है डी ऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। इसी तरीके से डी ऑक्सी साइटिडीन से जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसका नाम होता है डी ऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। तो ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली थी। अब हमें समझना है इससे अगला स्टेप, बहुत ध्यान से समझना। न्यूक्लियोटाइड तो आपको पता चल गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है? ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड माने न्यूक्लियोटाइड जो हमने लास्ट के कॉलम में पढ़े थे, चार तरह के न्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स बहुत सारे। जब बहुत तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं और एक लंबी चैन बना लेते हैं, एक श्रृंखला बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहां लिखा हुआ है चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हजारों या लाखों की संख्या में विभिन्न क्रमों में जुड़कर पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बंधों यानी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स द्वारा जुड़े होते हैं। देखो इस चीज को स्पष्ट करता हूं, आपको पता चल गया कि भाई बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलेंगे तो हमारा बनेगा पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और पॉली न्यूक्लियोटाइड का एक श्रृंखला ऐसा होता है। देखो यहां इस चित्र को ध्यान से देखो आप। इस चित्र में ये तो हमारा नाइट्रोजनी क्षारक है, जहां लिखा हुआ है एडिनीन, ये नाइट्रोजनी क्षारक है। ये जुड़ा हुआ है एक सुगर के साथ यानी पेंटोज शर्करा के साथ, जो एस माने सुगर शर्करा, और ये जुड़ा हुआ है यहाँ
पी माने फास्फोरस, फास्फेट के साथ। तो यहां क्या बनता है कि भाई ये तो आपका नाइट्रोजनी क्षारक है, ये शुगर है, ये फास्फोरिक एसिड है, इन तीनों के जुड़ने से एक क्या बना, एक बना जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना, यहां हमने पढ़ा था, देखो तुम्हें दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कराता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां हमारे पास एक शब्द आया था ये वाला, इस शब्द को देखो जरा, न्यूक्लियोटाइड। क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनता है और वे तीन चीजें ये हैं, देखो मैं बताता हूं, चलो यही देख लो आप, ये तीन चीजें ये हैं, यहां इस चित्र में ही देख लो। इसमें एक तो आपकी नाइट्रोजनी क्षारक है, ये एक है पेंटोस शुगर और एक है फास्फोरिक एसिड। ये तीनों चीज जब आपस में मिलती हैं तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। यहां भी ये क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक, और ये क्या है, पेंटोस शुगर या पेंटोस शर्करा, और ये है फास्फोरिक एसिड। तो इस तरह बनता है हमारा एक यूनिट, और जब बहुत सारे, एक यूनिट को हमने कहा न्यूक्लियोटाइड, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ने से बनती है न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला, जिसे आप कह सकते हो पॉली न्यूक्लियोटाइड। देखो यहां देखो जरा इस चित्र में कि आपका ये तो है एडिनिन यानी नाइट्रोजनी क्षारक, ये है आपका शुगर यानी शर्करा, और ये फास्फोरिक एसिड है, एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। देखो ये सारा मिलके क्या बना, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, पर ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं। देखो यहाँ जुड़ रहे हैं ना आपस में, आप देख रहे हैं यहाँ दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं। इस तरीके से जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक चैन बना लेते हैं ना, जैसे ये भी अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें भी तीनों चीजें हैं, पर ये ऊपर जुड़ गया है, और ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, जिस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं वो फास्फोरिक एसिड के पास बन रहा है, उसे कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये जो चैन बनी ना लंबी, यहां से लेके यहां तक की ये चैन, इसे ही कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से यहां देखो, ये भी पूरी लंबी चैन है, एक देख पा रहे ना आप, देखो ये पूरी लंबी एक चैन है, एक श्रृंखला है, ये श्रृंखला है, ठीक है, समझ में आ रही ना बात। चलो वहीं चलते हैं और समझते हैं, यहां आके इसे डिटेल में और भी ज्यादा समझेंगे हम, बहुत ध्यान से समझेंगे, पहले आप उसे समझ लो जरा, स्टार्टिंग से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये तो मैं यहां आपको इसलिए लेके आया था जिससे वो चीज क्लियर हो जाए। तो हम बात कर रहे थे पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की। चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हजारों या लाखों की संख्या में विभिन्न क्रमों में जुड़कर पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बंधु, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल की, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब देखो वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए का मॉडल दिया था और उन्हें इसके लिए मिला था नोबल प्राइज। क्या मिला था? नोबल प्राइज। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, इसमें हमें जो है एक तो ध्यान रखना है इनका, जैसे एक ये दिखा रखा है हमें नाइट्रोजनी क्षारक, एक ये दिखा रखा है, ये भी नाइट्रोजनी क्षारक है और ये भी नाइट्रोजनी क्षारक। कितने तरह के होते हैं? चार तरह के। पहले वाला जो है वो ऊपर भी दिखा रखा है इन्होंने, ग्वानीन है। क्या है? ग्वानीन, यानी ये वाला क्या है? ग्वानिलिक अम्ल, इसे बोला ना डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल, इसलिए बोला क्योंकि इसमें ग्वानीन जुड़ा हुआ था नाइट्रोजनी क्षारक। और इस दूसरे वाले का नाम बता रखा है एडिनाइलिक अम्ल, यानी ये है एडिनिन। तीसरे वाले का नाम बता रखा है इन्होंने डीऑक्सी डाइमिथाइल डाइमी डाइलिक अम्ल, ठीक है, ये थाइमी डाइलिक अम्ल है तो थाइमीन है। और चौथे वाले का साइटी डाइलिक अम्ल बता रखा तो साइटोसिन है। तो ये तो है इस तरह जो बना होता है उसे तो हम कहते हैं एडिनिन, एडिनिन।
ठीक है, एडीनीन नाइट्रोजनिक क्षारक, और ये दूसरे वाला है, दूसरे वाला, पहले वाला तो एडीनीन ही है, पहले वाला ग्वानीन है। इन्होंने ये संकेत दे रखे, इसकी हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती। यहां से देख रहा हूं, देखो मैं ग्वानिलिक अम्ल है तो मैं बोल रहा हूं कि ये ग्वानीन है जी, और ऊपर भी दिखा रखा देखो इन्होंने, यहां देखो ऊपर देख रहे ना आप, ये क्या दिखा रखा कि ये संकेत ग्वानीन का है। उसके बाद यहां मैंने देखा एडीनाइलिक अम्ल, तो हम कह देंगे कि ये एडीनीन का संकेत है। और इस वाले के लिए, तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए इन्होंने लिख रखा है थाइमिडाइलिक अम्ल, तो ये थाइमीन है, ये ब्लैक सा थाइमीन है, और ये है साइटोसिन। चार तरह के होते हैं नाइट्रोजनिक क्षारक, ग्वानीन, एडीनीन, थाइमीन और साइटोसिन। तो चार यही चीजें अलग होती हैं, बाकी तो सब एक ही जैसा है। इसमें ही बस मेन खेल इसका ही है, नाइट्रोजनी क्षारक का। उसके बाद आप समझ लो नीचे लिखे हुए सारे के सारे कि ग्वानीन का संकेत यह है, एडीनीन का संकेत यह है, थाइमीन का संकेत यह है और साइटोसिन का संकेत यह है, नीचे इन्होंने लिख दिए। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। आपको एक बात समझनी है कि एक तो हमें चाहिए नाइट्रोजनी क्षारक, एक चाहिए पेंटोज सुगर और एक चाहिए आपको फास्फोरिक एसिड। ये तीनों चीजें आपस में मिलेंगी और उससे हमारे पास जो यूनिट बनेगी, ऐसी ऐसी यूनिट यानी इकाइयां आपस में जुड़ेंगी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से इस चीज को समझ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, वाटसन एवं क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। 1953 में वाटसन एवं क्रिक तथा विल्किंस ने डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप प्रस्तुत किया, यानी वर्किंग मॉडल बनाया। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके अनुसार यानी इन्होंने डीएनए के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं, बस खास बात जो समझने वाली है, डीएनए के बारे में क्या क्या बातें वाटसन एंड क्रिक ने बताई। सबसे पहली बात, डीएनए अणु दो वलयकों यानी स्ट्रैंड्स या पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, यानी डीएनए अणु बना होता है दो स्ट्रैंड्स का, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का। देखो मैं दिखाता हूं कैसे, डीएनए अणु में दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी, जिसे आप यहां भी देख सकते हो। देखो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला तो ये है, यहां से लेके यहां तक की, और एक श्रृंखला ये है, ये दो हैं। और यदि और भी ज्यादा स्पष्ट करना है तो इस जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था डीएनए का, इसे ही देख लो आप। इस मॉडल को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक श्रृंखला तो ये नजर आ रही है आपको, देखो ये नजर आ रही ना एक श्रृंखला ये, और एक श्रृंखला ये नजर आ रही, देखो ये वाली। ठीक है, समझ में आई बात, कितनी श्रृंखलाएं हैं, दो। एक एक बात स्पष्ट करते हुए चलेंगे, बिल्कुल पहले पॉइंट पे ही हैं अभी अभी हम। कौन से पॉइंट पे हैं, पहले पहले पॉइंट में हमने पढ़ा है कि डीएनए अणु दो वलयकों यानी स्ट्रैंड्स या पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ये बात समझ में आई, दो ही तो है चैन, दो ही तो श्रृंखलाएं हैं जिनसे डीएनए का अणु बना होता है, जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित रहते हैं। एक अक्ष के चारों ओर कुंडलित मिलेंगे वे आपको, ठीक है, देखो कैसे, एक अक्ष के चारों ओर में लिपटे हुए मिलेंगे। देखो ध्यान से देखो जरा इस चित्र को, इस वाले को, इस चित्र को जब आप देखते हो तो आपको ये तो इसमें बीच में क्या बनाया, एक काल्पनिक अक्ष बनाया, बस अक्ष है एक्सिस, और इसके चारों ओर है वे, देखो इसके चारों ओर ये भी लिपटा हुआ है, ये वाली श्रृंखला पॉली न्यूक्लियोटाइड, और इसी के चारों ओर ये वाली श्रृंखला भी लिपटी हुई है, देख रहे हैं आप, ये दोनों श्रृंखलाएं इसी एक अक्ष के चारों तरफ सर्पिलाकार व्यवस्था में लिपटी हुई हैं, है ना लिपटी हुई। अब देखो यही बात बताई थी वाटसन और क्रिक ने, सबसे पहले यही बात बताई थी, पढ़ते हैं दोबारा ध्यान से देखना। इन्होंने बताया था कि डीएनए अणु दो वलयकों यानी स्ट्रैंड्स या पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है,
जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित रहते हैं। अतः डीएनए अणु एक घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखता है। आगे फिर दोबारा देखेंगे हम, घुमावदार सीढ़ी जैसा ही तो है वो देखने में। दोनों वलयक शर्करा व फास्फेट की इकाइयों से बने होते हैं, यानी जो वलयक बने होंगे, जो हमारी जो चैन बनी होगी वो शर्करा और फास्फेट से ही बनी होगी। देखो मैं स्पष्ट कर देता हूं, सुगर एंड फास्फेट से बनी हुई चैन है। यदि इस वाले चित्र में देखते हो तो ये सुगर है, फिर फास्फेट, फिर सुगर और फिर फास्फेट, फिर सुगर, फिर फास्फेट, फिर सुगर, फिर फास्फेट। तो सुगर और फास्फेट से ही तो मिलकर बनी चैन। आप इधर देख लो, फास्फेट सुगर, दो चैन है ना, दो श्रृंखलाएं हैं, इनमें भी फास्फेट और सुगर ही है, फास्फेट और सुगर है। तो ये जो चैन बनती है दोनों, जो एक सीढ़ी जैसी हमें दिखती है, सीढ़ी के दो डंडे, वे दो डंडों को हम कहते हैं दो श्रृंखला, वे दोनों श्रृंखला फास्फेट और सुगर से ही मिलकर बनी होती है। अब इस वाले चित्र में देख लो आप, इसमें भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि फास्फेट और सुगर है नहीं। जैसे आप इस वाली पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन को देखो, जब यहां आए तो यहां आपको पता चला सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, सुगर, आगे फास्फेट आएगा इसी तरीके से। दूसरी चैन में देख लो, दूसरी चैन में जब आप ऊपर से नीचे आओगे दूसरी श्रृंखला में, तो भी सुगर फास्फेट, सुगर, यहां बीच में जो छुटा है वो फास्फेट होगा, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट। तो ये जो दोनों चैन है, दोनों श्रृंखलाएं हैं, सीढ़ी के दोनों डंडे हैं मुख्य, जो लंबे वाले होते हैं, ये सिर्फ दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, सुगर और फास्फेट से। ये बात समझाई गई, देखो दोबारा पढ़ता हूं मैं इस बात को। डीएनए अणु दो वलयकों यानी स्ट्रैंड्स या पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित रहते हैं। अतः डीएनए अणु एक घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखता है। दोनों वलयक शर्करा व फास्फेट की इकाइयों से बने होते हैं। वलयक का मतलब जो लंबे वाले डंडे हैं, ओके, और सीढ़ी के दो स्तंभ बनाते हैं। दो स्तंभ बना दिए उन दोनों चैन ने, दोनों श्रृंखलाओं ने, जो सुगर और फास्फेट से मिलकर बनी है। इनसे जुड़े क्षार युगल सीढ़ी के डंडे बनाते हैं। इनसे जुड़े क्षार युगल यानी जो नाइट्रोजनी क्षारक है उनके युगल माने जोड़े, वे बनाते हैं सीढ़ी के डंडे। देखो मैं बताता हूं आपको, इस चीज को भी दिखा देता हूं चित्र में कि कैसे। यहां देख लो आप, इस वाले चित्र में देख लो, पहले सुगर और फास्फेट, फास्फेट सुगर, फास्फेट सुगर, फास्फेट सुगर, फास्फेट सुगर, इससे तो बन रहे लंबे वाले स्तंभ, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, इससे तो बन रहे लंबे वाले डंडे। अब जो बीच एक सीढ़ी का एक लंबा डंडा ये बन गया, एक ये बन गया, बीच में फिर सीढ़ी के पतले वाले छोटे वाले डंडे भी तो चाहिए, तो छोटे डंडे देखो थाइमीन और एडीनीन से मिलकर बने, इनके बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जो डॉटेड दिखाए हाइड्रोजन बॉन्ड, तो थाइमीन एडीनीन और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानीन बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी तरीके से एडीनीन और थाइमीन बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो लंबे डंडे तो बन गए हमारे पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन वाले, जो सुगर और फास्फेट से बनी, और बीच वाले डंडे किससे बने, नाइट्रोजनिक क्षारक से, जैसे सबसे ऊपर देख रहे आप, सबसे ऊपर थाइमीन और एडीनीन ने बनाया बीच का डंडा, फिर थाइमीन एडीनीन ने, फिर साइटोसिन ग्वानीन ने। जरूरी नहीं है कि एक बार थाइमीन एडीनीन आ गया तो उसके बाद भी थाइमीन और एडीनीन ही आएगा, इनके क्रम तो बदलते रहते हैं बस, इसीलिए तो विभिन्नताएं हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो बीच के डंडे किससे बने, नाइट्रोजनी क्षारक के जोड़ों से, ठीक है। आप यहां भी इस चीज को देख सकते हो, देखो इस वाले चित्र में, यहां देखो सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट से तो बन रही है लंबे वाली श्रृंखला, और बीच में देखो एडीनिन थाइमीन, ठीक है। यहां आ जाएगा साइटोसिन के साथ होता है ग्वानीन, और थाइमीन एडीनिन साइटोसिन ग्वानीन, बीच के डंडे तो नाइट्रोजनिक क्षारकों के जोड़ों से ही बन रहे ना, जिनसे हम चढ़ते हैं ऊपर,
ठीक है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। पहले पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया तो समझो सब कुछ समझ में आ जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको ये पहला पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आने का। वाटसन और क्रिक ने क्या बताया था? यूं बताया था पहले पॉइंट में कि डीएनए अणु दो वलयकों यानी स्ट्रैंड्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित रहते हैं, अतः डीएनए अणु एक घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखता है। दोनों वलयक शर्करा व फास्फेट की इकाइयों से बने होते हैं और सीढ़ी के दो स्तंभ बनाते हैं। इनसे जुड़े क्षार युगल सीढ़ी के डंडे बनाते हैं। बताओ समझ में आ गई क्या बात? अगले स्टेप पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया था वाटसन और क्रिक ने? ये चित्र तो समझ में आ गया होगा आपके, ये वाला, ये डीएनए का एक हिस्सा दिखाया गया है और ये पूरा जो है दूसरा आप देख रहे चित्र, इसमें सर्पिलाकार क्रम में दिखाया गया है डीएनए को। अब देखो ध्यान से जरा दूसरा पॉइंट। प्रत्येक वलयक में हजारों न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाबद्ध होते हैं। न्यूक्लियोटाइड तो पता है आपको, श्रृंखलाबद्ध का मतलब चेन में। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तो ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दूसरी भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनियम क्षार यानी नाइट्रोजनी क्षार, एडिनिन थाइमिन साइटोसिन ठीक है ग्वानिन, ये सब नाइट्रोजीनस क्षार होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजीनस क्षार डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीन ही तो चीज बताई थी आपको, एक तो नाइट्रोजनी क्षार, एक पेंटोज शर्करा और एक फास्फोरिक अम्ल जिसे पी से लिखा। इसमें नाइट्रोजीनियस क्षार नाइट्रोजीनस क्षार का अणु डीऑक्सीराइबोज के से अंदर की ओर तथा फास्फेट अणु इसके बाहर की ओर जुड़ा होता है। देखो इस बात को बता दूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, फास्फेट तो होगा बाहर की तरफ। देखो जरा इस चित्र को देखो, इस वाले को, ये तो हमारा सुगर है, सुगर में अंदर तो होगा नाइट्रोजनिक क्षार अंदर की तरफ है और फास्फेट या फास्फोरिक एसिड है बाहर की तरफ। ये बात बताई गई इस पॉइंट में। कौन सा पॉइंट था ये? तीसरा था ना, बाहर की तरफ होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस क्षार डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है, ठीक है। इनमें नाइट्रोजिनस क्षार का अणु डीऑक्सीराइबोज से अंदर की ओर तथा फास्फेट अणु इसके बाहर की ओर जुड़ा रहता है, ठीक है। चौथी बात, इस श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। मतलब सारे न्यूक्लियोटाइड फास्फेट अणुओं द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। या इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उन्हें जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? फास्फोरस की है। देखो जरा ध्यान से इस चित्र को देखो, यूं बताओ जब एक नाइट्रोजनिक क्षार हो गया, जैसे ये एडिनिन है, एडिनिन और ग्वानिन तो होते हैं दो दो रिंग वाले द्विवलयक, और बाकी थाइमिन और साइटोसिन होते हैं एक एक रिंग वाले एक एक वलय वाले। एडिनिन तो है नाइट्रोजनिक क्षार और ये बीच में क्या है? पेंटोज शुगर, और ये है फास्फोरस या फास्फेट कह सकते हो या फास्फोरिक एसिड। तो एक यूनिट है ये, ठीक है, जिसे आप कहते हो न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऊपर ये रहा नाइट्रोजनिक क्षारक और ये सुगर और ये फास्फोरस या फास्फेट या फास्फोरिक एसिड। तो एक एक यूनिट न्यूक्लियोटाइड की आपस में कैसे जुड़ती है? देखो किसने जोड़ रखी? इस यूनिट को फास्फोरस ने जोड़ रखा दूसरे यूनिट से। किसने जोड़ रखा? फास्फोरस ने। तो दो न्यूक्लियोटाइड की जो दो यूनिट है ना, उन्हें आपस में जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? फास्फोरस की। और यहां जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं फास्फोरस डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी
कि यदि आप यहां नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग करके आपको पता चलेगा कि यहां जो है जहां ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है ये पहला कार्बन है, एक दो तीन चार, और इस मोड को देखो, इसे ये जो मोड है ना ये पांचवा कार्बन है। तो जो आपका ये न्यूक्लियोटाइड है पूरा यूनिट, इसका एक तरफ से तो जुड़ा होता है तीसरा कार्बन, देखो तीसरे कार्बन से जुड़ रहा है ऊपर, और एक तरफ जुड़ा होता है नीचे पांचवा कार्बन, यानी ये फास्फोरस या फास्फेट कह दो इसे, या फास्फोरिक एसिड। तो ये फास्फेट जो है वो एक सुगर के तो तीसरे कार्बन से अटैच होता है और दूसरे सुगर के पांचवे कार्बन से। देखो पांचवा कार्बन है, ये जो कार्बन है ना ये वाला कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, एक दो तीन चार और ये मोड पांच, ये फास्फोरस इसके नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के तो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के पांचवे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। यही बात बताई गई है। अभी देखो इस बात को दोबारा पढ़ देता हूं मैं, देखो ध्यान से आप, पॉइंट नंबर फोर था, पॉइंट नंबर फोर, एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड्स फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। इनमें एक न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन यानी C5 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन यानी C3 से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है ना, पांचवा पॉइंट। अतः प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक सिरा 5 डैश तथा दूसरा सिरा 3 डैश होता है। नंबर 6, अतः प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की लंबी अक्ष एकांतर क्रम में लगे शर्करा एवं फास्फेट से बनती है तथा क्षारक इस अक्ष के समकोण, इस अक्ष से क्या बनाते हैं, समकोण, एकांतर क्रम में लगी होती है। एकांतर क्रम में लगे होने का मतलब समझ रहे हैं आप, एकांतर क्रम में लगने का मतलब यह है, देखो मैं बता रहा, एकांतर क्रम में लगने का मतलब यह है कि यहां नीचे तो यह है पांचवे कार्बन पर, ऊपर तीसरे कार्बन पर, फिर नीचे पांचवा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, तो ये होता है एकांतर क्रम में। और बीच में जो ये आपके ये नाइट्रोजनिक क्षारक हैं जैसे थाइमीन है, एडिनिन है, ये सब इस श्रृंखला के साथ 90 डिग्री का कोण ही तो बना रहे, ऐसे ही तो जुड़े हुए हैं डंडे सीडी के, ऐसे ही तो डंडे जुड़े हुए, और सीडी का एक बड़ा डंडा इधर है और एक बड़ा डंडा इधर है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बना, 90 का ही तो बना होगा, ये एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का, ये है कहने का मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। देखो इस बात को दोबारा पढ़ लेते हैं, छठा ही तो पढ़ना था हमें। अतः प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की लंबी अक्ष एकांतर क्रम में लगे शर्करा एवं फास्फेट से बनती है तथा क्षारक इस अक्ष से समकोण बनाते हैं। क्षारक का मतलब नाइट्रोजनी क्षारक। सातवां पॉइंट देखो, वाटसन और क्रिक ने क्या बताया था, सातवां पॉइंट बताया था, डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़ी होती हैं। इनकी एक श्रृंखला में कार्बन 5 से 3 दिशा में और दूसरी श्रृंखला में 3 से 5 दिशा में होते हैं। अतः दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल होती हैं। देखो दोनों जो श्रृंखलाएं हैं एक दूसरे की उल्टी व्यवस्था है उनमें, मैं चेक करा देता हूं आपको इस चीज को, दोनों की उल्टी व्यवस्था है इसलिए कहा एंटी पैरेलल। देखो इस चित्र को ध्यान से देखो आपको पता चल जाएगा, आप जब इस चित्र को देखोगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमने इस सुगर को ऐसे लगा रखा है, ऐसे
ऐसे है सुगर, जबकि इसमें देखो उल्टा नहीं है क्या, ये देख रहे हो आप। तो एक श्रृंखला ये वाली है जो तीन से, यहां लिखा हुआ है ना तीन, एक श्रृंखला तो ऐसी है जो तीन से पांच की तरफ चलती है और एक ऐसी है जो पांच से तीन की तरफ चलती है। इसमें यदि आप चलोगे ऊपर की तरफ तो पांच से तीन की तरफ चलोगे आप, समझ रहे हैं ना आप। देखो यहां देखो, एक दो तीन, एक दो, यहां पहले तो ये तीसरा जुड़ेगा, एक दो तीन, तीन और फिर चार, और ये वाला जो मोड है ये वाला, ये है पांच। तो तीन पे नीचे जुड़ी हुई, पांच पे ऊपर, और यहां यहां पांच पे तो नीचे जुड़ी हुई, पांच पे तो जुड़ी हुई, देखो एक दो तीन चार, और इस मोड को कहा पांच, पांच पे नीचे जुड़ी हुई ऊपर तीन पे, तो नीचे पांच पे ऊपर तीन पे जुड़ी हुई होगी, और यहां नीचे तीन पे ऊपर पांच पे। कुल मिला के अंतर जो है वो सुगर का है। इस सुगर को देखो आप, पेंटोस सुगर है, जो पांच कार्बन वाला जो सुगर है इसमें व्यवस्था उल्टी है। यदि आप इन सब पेंटोस को देखोगे, पेंटोस सुगर को और इन सब पेंटोस सुगर को देखोगे, तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये तो उल्टे लगा रखे। तो इसे कहते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। देखो डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़ी होती हैं। इनकी एक श्रृंखला में कार्बन पांच से तीन दिशा में और दूसरी श्रृंखला में कार्बन तीन से पांच दिशा में होते हैं, अतः दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर यानी एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है। आठवां पॉइंट देखो, वाटसन क्रिक ने क्या बताया, आठवां पॉइंट, दोनों श्रृंखलाओं के न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजीनस क्षार परस्पर हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन है, इन सब के बीच में जो डॉटेड बॉन्ड हमने बना रखे हैं, वे सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। नंबर नौ, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, अतः यदि एक श्रृंखला में नाइट्रोजीनस क्षार एडिनिन है तो दूसरी श्रृंखला में थाइमीन होता है, मतलब एडिनिन के सामने हमेशा थाइमीन आएगा और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। इसी तरह ग्वानिन व साइटोसिन दो श्रृंखलाओं में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ध्यान रखना, दसवें पॉइंट में इसे समझाया गया। अतः एडिनिन थाइमीन से और ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ग्यारहवां पॉइंट, अतः डीएनए में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन की मात्रा एडिनिन प्लस ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन बराबर होती है, क्योंकि एक श्रृंखला में प्यूरीन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन से जुड़ता है। यानी एक तरफ तो होगा एक वलय वाला नाइट्रोजनिक क्षारक और दूसरी तरफ होगा दो वलय वाला। बारहवां पॉइंट, अभी मैं समझा दूंगा दोबारा, देखो समझा देता हूं। चलो आपको प्यूरीन और पिरिमिडीन पढ़ाए थे ना, आप जब भी बीच में इन नाइट्रोजनिक क्षारकों को जोड़ोगे तो एक चीज को पाओगे, ध्यान से देखो इस चित्र को, कि यदि एक श्रृंखला एक वलय वाला है इधर, तो इधर दो वलय वाला होगा। यदि इधर दो वलय वाला है, वलय माने चक्र रिंग, तो इधर एक वलय वाला होगा। इधर दो वाला है तो इधर एक वाला होगा, इधर एक वाला है तो इधर दो वाला होगा। ऐसा कभी नहीं होने का कि दोनों प्यूरीन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं आमने सामने, या दोनों पिरिमिडीन एक दूसरे के आमने सामने जुड़ जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक प्यूरीन के साथ एक पिरिमिडीन को जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ग्यारहवां पॉइंट लिखा हुआ है, अतः डीएनए में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन की मात्रा एडिनिन प्लस ग्वानिन की मात्रा थाइमिन प्लस साइटोसिन के बराबर होती है, क्योंकि एक श्रृंखला के प्यूरीन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन से जुड़े होते हैं। बारहवां पॉइंट, बारहवां पॉइंट देखो क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम
एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, अतः डीएनए के एक कुंडलन या मोड में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक मोड का मतलब एक मोड जब लेंगे ना हमें तो एक घुमाव में 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 10। भाई इसमें भी कुछ न्यूक्लियोटाइड है, इसमें भी। जब हम एक मोड लेंगे तो 10 न्यूक्लियोटाइड उसे एक मोड में समा जाएंगे अंदर, ठीक है। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम और एक चक्कर की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, तो 3.4 को जब 10 से गुणा करोगे जब ही तो 34 आएगा। इसलिए कहा कि एक घुमाव में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 10। 13वां पॉइंट, डीएनए के एक अणु की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एक अणु की चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। देखो बता देता हूं आपको इस चीज को, देखो यहां इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा, बड़े वाले चित्र से। इस बड़े वाले चित्र को ध्यान से देखो आप। इस चित्र में आपको एक तो यह समझना है कि एक घुमाव शुरू हुआ और पूरा हुआ, घुमाव शुरू हुआ और पूरा हुआ, एक घुमाव में कितने आएंगे न्यूक्लियोटाइड? 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10। एक में कितने आएंगे? 10। और एक बात और, देखो यहां लिखा हुआ है चौड़ाई इसकी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है चौड़ाई, और दो जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक घुमाव यहां से यहां तक है, देखो जरा ध्यान से, एक घुमाव यहां से लेके और यहां तक दिखाया गया एक घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम का, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 10 तो न्यूक्लियोटाइड आ ही जाएंगे एक घुमाव में। कितने न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे? 10, ठीक है बेटे। तो ये था वाटसन और क्रिक का मॉडल, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। अब आपको एक चीज और सीखनी है आज, बाकी हम कल पढ़ेंगे। एक चीज सीख लो आप, डीएनए का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। पहला पॉइंट, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुवांशिक की सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना है। सबको पता है इस बात का, डीएनए ही ऐसे अणु हैं जो स्वय प्रतिकृति सेल्फ रेप्लिकेशन से अपने समान अणु बनाते हैं, यानी कोशिका विभाजन के समय अपने जैसे दूसरे डीएनए के नए अणु बना देते हैं। नंबर दो, यह अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियमन करता है, यानी डीएनए के ऊपर जिम्मेदारी है कि सेल में जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, जैविक क्रियाएं, उन सबको कंट्रोल करने का काम डीएनए का ही होता है। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। नेक्स्ट नंबर तीन, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है। तो डीएनए प्रोटीन के निर्माण के लिए हर तरह के आरएनए का निर्माण भी किससे होता है? डीएनए से। नंबर चार, डीएनए पर्याप्त रूप से स्थायी होता है तथा इसमें म्यूटेशन तथा अनुवांशिकी परिवर्तनों की न्यूनतम संभावना होती है, इसीलिए तो कहा ज्यादा स्थायी होता है। तो आज तो बेटे हमें इतना ही पढ़ना है। हमारा जो आज का मेन अटेंशन रहा वो रहा वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।